हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका कॉल ऑफ ड्यूटी के सेकंड एपिसोड में। फर्स्ट एपिसोड में बहुत कुछ हुआ था, वो आप लोगों को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट एपिसोड में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के सियोल शहर में इन्वेशन शुरू कर दी थी, बट यूएस मिलिट्री ने इन्वेशन को रोक दिया। पर यूएस मिलिट्री को इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। 4 घंटों में यूएस मिलिट्री के 6,000 से ज्यादा सोल्जर्स मर गए थे इस इन्वेशन को रोकने के लिए। और इन दी एंड हैवक लॉन्चर को डिस्ट्रॉय करते समय विल आयरन लॉन्चर में बॉम्ब प्लान करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली विल आयरन का आर्म लॉन्चर के डोर के अंदर फंस जाता है और विल आयरन मिचेल को लॉन्चर से धक्का देके बचा लेते हैं मिचेल को, और विल आयरन खुद लॉन्चर के साथ में ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं लॉन्चर के साथ में। लॉन्चर के ब्लास्ट होने पर लॉन्चर का एक टुकड़ा मिचेल के आर्म पर आके लगता है और उसी समय मिचेल का एक हाथ कट जाता है। सो गाइस, ये सब जो हुआ था वो लास्ट एपिसोड में हुआ था। बहुत ही अच्छा एपिसोड बना था वो। अगर आप लोग नहीं देखे वो उस एपिसोड को तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ, वो एपिसोड भी जाकर आप लोग देख लेना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अब इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हम लोग आगे क्या फेस करने वाला है, क्या मिशन मिलने वाला है। और मिशन स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Heavy fighting, US Marines were successfully able to drive North Korean forces out of Seoul. With an additional division arriving soon, hopes are high that we may finally see a return to peace and stability in the region. Why is one man spared while another taken? To this day I couldn't give you an answer. But death comes for us all. Eventually, when you lose over 6,000 men in 4 hours, it's easy for one death to become just another number. But all I knew was my best friend was gone, and that part of me wished I had been taken instead. The dead, and they've settled their debts. It's up to the living to pick up the tab. And so it is time to say farewell to Private William Robert Irons. A man I had the privilege and honor to have under my command. A life is only important in proportion to its impact on the lives of others. By this standard, Private Irons ranks among one of our very best. He leaves behind family, friends, fellow Marines, and a grateful nation. ओके, तो गाइज यहाँ पर फ्यूनरल चल रहा है विल आयरन का और कॉर्मैक फाइनल रेस्पेक्ट दे रहे हैं विल आयरन को। और ये जो आप बंदा आप सामने देख रहे हो जो उसके ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ है, वो विल आयरन का डैड है। ओके, तो मैं भी, मतलब म्यूचुअल भी फाइनल रेस्पेक्ट देते हैं विल आयरन को। Sorry, Mitchell. Will was one of our best. Look, we take care of our own. If you ever need any... Excuse me, Private Mitchell. I'm Jonathan Irons. I'm Will's father. Mr. Irons, I'm sorry for your loss, sir. I'm sure you are, Sergeant. Private Mitchell, you were Will's best friend. You both paid too high a price for your country. It was an unfortunate tragedy, sir. It was more than unfortunate, Sergeant. It was unnecessary. Son... I want to offer you a second chance. Mr. Irons, Mitchell's been discharged with his injuries. I'm aware of his injuries, Sergeant. At Atlas, we have prosthetics that are 20 years beyond anything the military could offer you. Will told me what kind of soldier you were. You deserve to fight for a military that's as effective as you are. Think about it. Don't let Will's death be in vain. Okay, so guys, Will Iron ke dad, Jonathan Iron, उन्होंने मुझे सेकेंड चांस दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि एटलास मुझे ज्वाइन करना है, और वो 20-20 साल से कुछ तो ऐसा बता रहे थे वो। तो अब चलते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं एटलास को। ये मेरा एज अ ट्रेनिंग जैसा ही है ये। और अभी आप मेरा लेफ्ट हैंड देख रहे होंगे तो उसके अंदर मेरा हाथ लगा हुआ है, ये मशीनी हाथ है। और यहाँ पर वो चेक हो रहा है कि सामने की तरफ में कुछ बंदे हैं, तो मैं तो इतना छुप छुप के खेलने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट ही मारने वाला हूँ, अटैक करने वाला हूँ, अटैक गेम खेलूँगा मैं। यहाँ पर भी बंदे, ये भी गया, यहाँ से कुछ लोग आ रहे। भाई 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 भाई, एक मेरा माउस की सेटिंग, माउस की सेटिंग सही हो गई है।
माउस की सेटिंग्स सही करते करते ये लोग ना मर जाए भाई जो मेरे साथ में आए हुए। एक्चुअली ये कोई मिशन नहीं है, ये मेरी एक ट्रेनिंग चल रही है। एक्चुअली मैंने जो मेरा जो हाथ लगाया हुआ है एटलास ने, विल आयन के डैड ने, उसकी ही ट्रेनिंग चल रही है कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके अबे भाई अंदर ही मिजरी पे ही मार दिया मैंने, मुझे अंदर मारना था वो। ओके तो मुझे बाहर ही मारना था वो और मैं बाहर से ही सभी को मार दिया, ये सही था भाई। यहाँ पे बुलेट्स है, बुलेट्स मैंने ले लिया है। भाई इतने आराम से निकल रहा है बाहर, गोलियां चल रही है और ये इतना आराम से निकल रहा है जैसे कि दावत में आया हुआ है चलो ठीक है, मैंने अपनी गन भी चेंज कर लिया हूँ, मुझे ये वाली गन ज़्यादा बेटर लग रही है, पता नहीं है मुझे नाम नहीं पता है बट गन ज़्यादा बेटर लग रही है। तो इन्हें मुझे बाहर निकालना है बचा के, और यहाँ पे ड्रोन लगे हुए हैं, ड्रोन को मैं फोड़ देता हूँ। ओके तो अब पूरी तरीके से क्लियर है, अब हम लोग बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे और भी बंदे आ सकते। ओ शिट, बताते ही बॉम्ब भाई, ऐसा कैसे यार, इसके मशीने हाथ में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रही है। बॉम आया पीछे पीछे पीछे। शिट मुझे गन नहीं चेंज करना चाहिए था, मेरी बुलेट खत्म हो गई उसकी, उस गन के बुलेट खत्म हो गई। एक बंदा और था यार यहाँ पे, भाई जिसको फॉलो करना वो बंदा ही पीछे रह जाता है यार, पता नहीं क्यों पीछे रह जाता है बट पीछे रह जाता है। ओके तो यहाँ पे और भी लोग हैं, टैंक वगैरह से जा रहे हैं ये लोग, कुछ भी करना नहीं है उन लोगों को, शांति से जाने देना है। मेरे ख्याल से ये लोग निकल चुके हैं, अब मैं उठ सकता हूँ शायद, हाँ अब उठ सकता हूँ मैं। रिलोड कर लेता हूँ मैं, अबे भाई बहुत सारे बंदे आ गए। ओह शिट, इसके मशीने हाथ में दोबारा से प्रॉब्लम आ रही है। मशीन हाथ में प्रॉब्लम आई और मैं पकड़ा गया, और जिसे मुझे बचाना था वो यहाँ पे मर चुका है। रीसेट मतलब दोबारा से ये ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं ये ठीक तरीके से कर नहीं पाया। एक्चुअली मैं कर लिया था बट मेरे हाथ में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मिशन फेल हो गया, प्रैक्टिस फेल हो गई, सॉरी ट्रेनिंग फेल हो गई। तो दोबारा से अब ये व्हील आयरन आया है यहाँ पर, That arm's worth more to me than this entire... Will Iron, sorry, Jonathan Iron.
He's a work in progress. Well, keep working. This is a great soldier. It's a sad day indeed when the military has no use for good men like you. Jump in. I'll give you the tour. Okay, तो ये अब अपना एटलस का टूर पे लेके जा रहा है हमें, और चलते हैं इसमें बैठते हैं और देखते हैं इनका एटलस कैसा है। भाई एकदम फील करा दे रहा है यार ये गेम, एकदम फील करा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सचमुच गाड़ी में ही बैठा हूँ और गाड़ी चल रही है। बहुत ही जबरदस्त ये लोग ने अपना पूरा कैंप बना के रखा हुआ है। Atlas has the single largest standing military in the world, but we answer to no country. Unlike the government, we don't keep secrets of our capabilities. We don't sell policy, we sell power. We are a superpower for hire. So guys, ये कह रहा है कि ये लोगों का जो है, ये जो private military है, ये government के military से भी ज़्यादा powerful है। ये पूरा का पूरा advanced warfare है, और ये लोग policy sell नहीं करते, ये लोग power sell करते हैं। Destroy. Atlas has built infrastructures in places like Korea, Sierra Leone, Nigeria. We do in a few years what it takes governments decades to accomplish. In fact, the truth is, we're often more effective than the governments that hire us. My son found out the hard way. इन लोगों के पास ऐसी ऐसी advanced technology है कि जो कि government के पास भी नहीं है। सच में यार भाई, सब बंदे उड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे ड्रोन चल रहा है, हेलीकॉप्टर है वो, सॉरी मुझे लगा ड्रोन है। अब यहाँ पे मुझे अपना ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करना होगा। ओके, तो आर्म फिक्स करने आए हैं यहाँ पर हम लोग। और ये जो आर्म आप देख रहे हो, लेफ्ट हैंड जो है मेरा, वो विल आयन के डैड जोनाथन आयन ने ही लगा के दिया है, बना के दिया है। तो अब चलते हैं इसे फिक्स करवा लेते हैं, क्योंकि दिक्कत आ रही थी इसके अंदर कुछ तो भी फाइट के टाइम पे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसके अंदर, इस आर्म के अंदर। और भाई यहाँ पर आप ट्रेनिंग देख सकते हो, इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है भाई साहब। अगर यहाँ से सीख के निकलेंगे तो कोई भी जो है हमें टच भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी कुछ फाइट वगैरह चल रही है, नहीं बातें चल रही है, फिलहाल इसे फॉलो करते हैं। ये तो बाद में भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं अंदर जाता हूँ। ओके, तो ठीक है, ये जो डॉक्टर है ये देखने वाला है कि हमारे आर्म के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, जस्ट गोना रन सम डायग्नोस्टिक्स, ट्राई एंड मूव योर आर्म फॉर मी प्लीज। ओके, तो मूव करने के लिए कह रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी से मूव कर ले रहा हूँ। और ये डायग्नोस्टिक कुछ रन कर रहा है कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। स्मॉल एडजस्टमेंट किया है इसने। ओके, अगेन प्लीज, दोबारा से मूव करने के लिए कह रहा है, और पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट मूव हो रहा है ये। आई थिंक आई सी द प्रॉब्लम। ओके, तो इससे प्रॉब्लम मिल चुकी है टेक्नीशियन को। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट घूमने लगा अब ये। All right, you're good. But I recommend some trigger time to check the calibration. Okay, तो अब ये पूरी तरीके से मेरा आर्म ठीक हो चुका है। अब बाहर चलते हैं और दोबारा से उस बंदे को फॉलो करते हैं जो मुझे यहाँ पे लेकर आया था। मैं ये शील्ड के बारे में बता रहा था आप लोगों को कि ये शील्ड ऐसी शील्ड है कि जो आप देख रहे हो इतना मशीन गन उसके ऊपर फायर कर रहा है, फिर भी उस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा है, वो शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो बहुत बढ़िया है ये। आगे बढ़ते हैं, ये रहा वो बंदा। और यहाँ पे फाइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, और एक बंदा सभी लोगों को मार रहा है भाई। Yeah.
बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, तो अब इसे फॉलो करते हैं और बाहर निकलते हैं यहाँ से। बाहर ही ले जा रहा होगा मुझे ख्याल से, मुझे पता नहीं है फिलहाल। हाँ तो ये बाहर ही ले जा रहा था मुझे। ओ भाई क्या जबरदस्त ड्रोन है यार, ये ड्रोन हम लोग को फर्स्ट एपिसोड में मिला था और हम लोगों ने वो सभी ड्रोन को फोड़ डाला था। ओके तो ये इनका ये ट्रेनिंग सेंटर है, मैं अभी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी, क्योंकि ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे मैं मिलिट्री से ही आया हुआ है ये म्यूचुअल, बट अभी हमारा हाथ जो है वो चेंज हुआ है तो हम लोग को यूज टू होने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने यहाँ से गन ले लिया है भाई, चालू हो जा। राउंड टू स्टार्ट। और ये टूटा, मैं इसको स्लो भी कर सकता हूँ, अगर वो मूव करता रहेगा तो मैं इसे स्लो भी कर सकता हूँ एन से। भाई नहीं हुआ यार, मुझे लगा कि मैं इसे स्लो कर सकता हूँ बट ये हुआ नहीं। ओके जब वो इंस्ट्रक्शन देगा एन प्रेस करने का तो ही मैं इसे प्रेस करके इसे स्लो कर सकता हूँ। ओके रिलोड कर लेते हैं। अबे मिस कैसे हुआ भाई, गलत टाइम पे रिलोड हो गया यार, शिट बहुत सारा मिस हो गया इसमें तो। ट्रेनिंग कंप्लीट भी हो गई है, मशीन गन की ट्रेनिंग थी और ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है और मेरा परफॉर्मेंस इतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि अजीब ही टाइम पर रिलोड हो जाता है यार ये। अभी शायद से ग्रेनेड की ट्रेनिंग लेके के लिए जा रहा है ये। भाई बहुत ही बड़ा ये लोग ने कैंप बना के रखे हुए, ये जो मिलिट्री कैंप है एटलस का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ग्रेनेड किधर है, ग्रैब्स कहाँ से करूँ, बट ग्रेनेड है किधर, ये रहा ग्रेनेड, मेरे ख्याल से तो यही होगा। ये रहा ग्रेनेड, शूट थ्रू वॉल्स टू हिट दोस टारगेट्स, स्विच टू ईएमपीस टू टेक आउट ड्रोन। Toss a smart grenade, aim at a target to guide it. Good. Run it again for a real challenge. Grenade grenade फोड़ डाला मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा। भाई ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई थी ना यार, वापस से कैसे आ गई है। Let's move. We're going to run the simulator again. Excellent.
Axil Mark III demonstration beginning in 5 minutes in the atrium. Stay sharp. I'm going to be watching. I'm leading this time. Get up. ओके तो गाइस साहब मुझे पिकअप करना है NA-45, तो मैं इसे पिकअप कर लेता हूं। और ये मेरे ख्याल से नहीं, ये डेफिनेटली स्नाइपर गन है। तो अब चलते हैं यहां पर। Joker, we're heading up. Switching the sim to assault mode this time. Copy that. We're ready to go. Preparing assault mode. Simulation starting in 3. ओके तो अब असॉल्ट मोड स्टार्ट हो गया है और मुझे हेडशॉट पे हेडशॉट मारना होगा। भाई बच गया, कैसे बचा यार ये? और एक बार में मैं दो ही मार सकता हूँ, दो गोली। भाई ये लोग इतना फास्ट लड़ रहे हैं कि मैं इससे लड़ ही नहीं सकता, मुझे लग रहा है। एक सेकेंड, ये इसको तो हेडशॉट मारूंगा ही मारूंगा। मर गया वो। ओके तो क्लियर कर दिया मैंने। दोबारा से गन चेंज कर लेता हूं मैं। ये नहीं ओपन होगा, ये ओपन होगा क्या? या ये ओपन होगा। बच गया यार, जरा सा बचा भाई। मार दिया यार सबको। अब क्या है, मीडिया रूम सबको मार दिया मैंने। चलो यहाँ पे जाना है। ओके ओके तो यहाँ पे सभी लोग को हम लोग ने मार दिया। अब इससे बचाना होगा हम लोग को। ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है, अभी भी मिशन स्टार्ट हुआ नहीं है, ट्रेनिंग का ही पार्ट है ये भी। तो अब इसे बचा के हमें को निकलना है, और हम लोग ने अगर इसे सेफ तरीके से बचा के निकाल लिए तो हमारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बुलेट वगैरह है, मैं बुलेट वगैरह पूरा ले लिया हूँ। ओह शिट 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 शिट। एक बॉम्ब ने सारे के सारे ड्रोन्स को फोड़ डाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी बंदे आएंगे जैसे कि लास्ट टाइम आए थे। ये क्या एक्टिवेट करता है यार ये भाई? 3 से एक्टिवेट हो जा। ओह ये ड्रोन एक्टिवेट करा भाई। अच्छा ये लोग है। अरे शिट 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 शिट, ये गलती हो गई भाई। चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, ओपन कर। Shit.
मेरे ख्याल से सभी लोग मर चुके, शायद से यहाँ से कोई एक बंदा बचा हुआ जो कि फायर कर रहा है कंटिन्यूस। ये रहा, और भी बंदे आ गए। अब मुझे लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग अभी तक तो बहुत ही बढ़िया चल रही है, सिर्फ मुझे इसे फॉलो करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि और भी बंदे आएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम पे टैंक लेकर आए गए थे, बट अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट। बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है, मुझे लगता है कि इस बार जो है ये ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगी और मैं इसे सेफ तरीके से बचा के निकल लूँगा। और भी बंदे आ गए भाई। नहीं 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 नहीं, इसे मुझे ओपन करके लेके जाना है। चल भाई ओपन हो जा और चलो। हाँ चलो, फाइनली ये इस टाइम ये गाड़ी ओपन हो गई और ये फुल्ली बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी मुझे ऐसा लगता है। और ये बच के निकल गया। ओ शिट 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 शिट, जहाँ से वो लोग निकले वहीं से बंदे आ रहे हैं, तो मुझे दोबारा से इन लोगों को मारना पड़ेगा। ड्रोन भी है उधर पे, ड्रोन ड्रोन ड्रोन, पहले ड्रोन फोड़ना पड़ेगा मुझे। शिट शिट शिट, बॉम्ब आया यहाँ पर। एक और प्लेन आ गया भाई, ये प्लेन क्या है? आगे जाके देखते हैं, शायद हमारी हेल्प के लिए आया होगा ये प्लेन। अच्छा ओके, तो मुझे वहां पर ही जाना है। ओके तो इसके अंदर जोनाथन आयन है, मतलब कि अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ओके गुड जॉब सन, यस हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है और अब हम लोग एटलस के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। ओके तो गाइस आज के वीडियो में बस इतनी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज के वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा वाला पार्ट कौन सा लगा है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतनी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बाय बाय।